हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राकेश। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्रिकेट ट्विटर में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में होने वाले फाइनल T20 मैच की, जो कि अब से 4.5 घंटे बाद स्टार्ट है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मेरे पास इसकी बहुत सारी न्यूज़ है और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना फ्रेंड, तभी आपको समझ में आएगा। और फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। और डिस्क्रिप्शन में फ्रेंड मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा फ्रेंड, आप टेलीग्राम चैनल में फ्रेंड जरूर ऐड हो जाना। वहाँ पर मैं आपको हर टाइप की टीम देता हूँ फ्रेंड, हला प्ले, फन फाइट, जो भी आप बोलते हो मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड चलो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। तो फ्रेंड, पहले तो आप पाकिस्तान की ये स्क्वाड आप देख लेना, रीड कर लेना जो भी स्क्वाड है। और दूसरी न्यूज़ ये है फ्रेंड कि यहाँ पर सरफराज अहमद ने कन्फर्म किया है कि साहिब ज़्यादा फरहान विल मेक डेब्यू इन द फाइनल, रिप्लेस हारिस सोहेल इन द टीम, 100% कन्फर्म। तो ठीक है फ्रेंड, ये सरफराज अहमद की स्टेटमेंट है। तो उन्होंने बोल दिया है कि फरहान को फाइनल में डेब्यू करने का मौका मिलेगा, जो कि ओपनर बैट्समैन है पाकिस्तान के। तो फ्रेंड, आज उनको आप टीम में पक्का लो, चाहे वो आप हेड टू हेड खेल रहे हो, क्योंकि अच्छे वहाँ पर प्लेयर हैं, उन्होंने PSL में भी अच्छी यहाँ पर पार्टनरशिप की थी। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे आप मोहम्मद नवाज और एम हफीज़ एंड हारिस सोहेल नॉट प्ले टुडे मैच, 100% कन्फर्म। ठीक है फ्रेंड, तो ये भी कन्फर्म न्यूज़ है। तो आप इसमें ना तो आप नवाज़ को लेंगे, ना आप हाफिज़ को लेंगे, ना आप हारिस सोहेल को लेंगे, ये मैं नहीं कह रहा फ्रेंड, ये सरफराज अहमद ने कहा है जो उनके कैप्टन है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड यहाँ पे बात करते हैं प्लेइंग 11 की। फ़कर जमान, फरहान ओपनिंग करेंगे, फिर आएंगे हुसैन तलत वन डाउन, फिर सरफराज अहमद, शोएब मलिक, आसिफ अली, फहीम अशरफ, सदाब खान, हसन अली या उस्मान खान में से कोई एक खेलेगा मेरे ख्याल से, दोनों में से डाउट है फ्रेंड, आप दोनों को ही सेफ टीम में मत रखना, क्योंकि उस्मान खान को मौका दे सकता है, हसन अली को भी मौका दे सकता है। मोहम्मद आमिर एंड शाहीन अफरीदी, जिन्होंने लास्ट मैच में 3 विकेट लिए थे, बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया। ऑस्ट्रेलिया की फ्रेंड कोई ज़्यादा खास न्यूज़ नहीं है मेरे ख्याल से, यहाँ पर डिसोट को भी हटा सकते हैं, मुश्किल लग रहा है डिसोट का मुझे, क्योंकि पिछले मैच में खिलाया नहीं था, परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है डिसोट का। तो फ्रेंड यहाँ पर ऐसी हो सकती प्लेइंग 11, फिंच के साथ करे भी आ सकते हैं ओपन, वन डाउन आ सकते हैड, मैक्सवेल, मैंडिसन का भी फॉर्म अच्छा नहीं है, डिसोट का भी फॉर्म अच्छा नहीं है, तो दोनों में से कोई एक खेल सकता है फ्रेंड। और अगर दोनों में से अगर डिसोट खेलता तो ओपनिंग करेगा, अगर डिसोट खेलता तो ओपन आएगा फिंच के साथ, स्टोइनिस, उसके बाद आएंगे यहाँ पर विल्डरमुथ, अस्टनगर, एड्यूटाई, जे रिचर्डसन एंड बिनी स्टेनलेक। तो फ्रेंड ये रहेगी इनकी प्लेइंग 11 जो मुझे लग रहा है। और यहाँ पर फ्रेंड बात करते हैं, जो मैंने यहाँ पर टीम ऑलरेडी बनाई हुई है आप लोगों के लिए, वो टीम मैं आपको दिखा देता हूँ इस मैच की। तो फ्रेंड मैं इस टीम के साथ इसमें खेलना प्रेफर करूँगा, हेड टू हेड मैंने यहाँ पर एक रिस्क लिया फ्रेंड, शोएब मलिक को मैंने नहीं खिलाया। तो कोई नहीं, शोएब मलिक आते भी उसे 4th नंबर पर, बट थोड़ा ठीक रहेगा अगर आप फरहान को खिलाओ या ट्रेविस हेड को खिलाओ, मैक्सवेल, आप चाहो तो यहाँ पर मैक्सवेल को हटा के आप मलिक को रख सकते हो फ्रेंड, वो आपकी मर्जी है, आप मैक्सवेल को हटा के आप मलिक को यहाँ पर रख सकते हो, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, या फरहान को हटा कर आप मलिक को रख सकते हो, बट मैं यहाँ पे जा रहा हूँ फ्रेंड फ़कर जमान एंड फरहान ओपनर, वन डाउन हुसैन तलत, एंड मैंने यहाँ पर मलिक को निकला है। उसके बाद यहाँ पर आप ओपन में देख लो फिंच एंड करे या कोई यहाँ पर आएगा, इसमें थोड़ा डाउट है। उसके बाद वन डाउन आएगा यहाँ पर ट्रेविस हेड एंड मैक्सी, उसके बाद आएगा फ्रेंड यहाँ पर मैंने पाकिस्तान का आता फ्रेंड 4th नंबर पे सरफराज अहमद एंड सदाब खान, शाहीन अफरीदी एंड टाई एंड स्टेनलेक। तो फ्रेंड मैंने इस टाइप से टीम बना दिया अपने लिए, तो आप चाहो तो इस टीम के साथ जा सकते हो, आप चाहो तो नहीं जा सकते हो। ओके फ्रेंड, बेस्ट ऑफ लक, अगर वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिएगा फ्रेंड, मेरे चैनल को पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा।